फ्रेंड्स, जय माई की। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे ही होंगे। सो, आज की जो रेसिपी है वो है गार्लिक ब्रेड, जो कि बहुत ही टेस्टी लगती है, एकदम बहुत ही क्रंची, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है और देखने में भी उतनी ही सुंदर लगती है। तो गार्लिक ब्रेड बनाने के लिए मैंने सबसे पहले बहुत सारा लहसुन ले लिया है और एक कली है ये पूरा, इसको हम घिस लेंगे। अगर आपके पास चॉप करने वाला हो तो चॉप भी कर सकते हो, बट मैंने इसको घिस लिया है यहाँ पर। इनको घिसने के बाद हम इसके अंदर मक्खन ऐड करेंगे, मक्खन और थोड़ा सा धनिया, और उन्हें अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद आप थोड़ा मेल्ट मक्खन ही लेना ताकि अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। मैंने वाइट वाला मक्खन लिया है, आप पीला वाला मक्खन भी ले सकते हो। ये देखिए, मैं चॉप कर लिया है, इसके अंदर ये वाला मक्खन डाल लिया है और थोड़ा सा धनिया पत्ता डालेंगे इसमें और फिर इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। ये देखिए, अब मैं आपको इसको मिक्स करके दिखा देती हूँ। अच्छी तरीके से हम इसको मिक्स कर लेंगे, उसके बाद आगे का प्रोसेस देखते हैं। तो ये देखिए, मैंने अच्छी तरीके से उसको मिक्स कर लिया है और ये सूखी लाल मिर्ची को मैंने पीस लिया अच्छी तरीके से और उसका ही पाउडर ये डाला है मैंने इसमें थोड़ा सा। और ये देखिए, हमारी ये सैंडविच ब्रेड तैयार है। अब ये जो पेस्ट हमने बनाया है, इसको हम ब्रेड के सबसे पहले ब्रेड के ऊपर लगा लेंगे, अच्छी तरीके से लगा लेंगे इसको। देखिए ऐसे करके, मैं आपको लगा करके दिखा देती हूँ। ये देखिए, अब हमने अच्छी तरीके से अपने जो मुझे दो बनाने, तो मैंने लगा लिया है इन पर अच्छी तरीके से। अब हम इनके ऊपर अपना जो चीज़ है उसको हम इसके ऊपर अच्छी तरीके से घिसेंगे। ये देखिए, आपको जितना चीज़ चाहिए आप उतना घिस सकते हो। देखो, मेरे को जितना चाहिए था मैंने उतना घिस लिया अच्छी तरीके से। ये देखिए, आपको जितना चाहिए आप उतना अच्छे तरीके से घिस लेना। देखिए कितना, अभी से ही कितना बोलते ना, कितना ही सुंदर लग रहा है अभी से ही। देखिए, तो देखिए फ्रेंड्स, हमने अपनी जो चीज़ है उसको अच्छी तरीके से घिस लिया। उसके बाद हम इस पेपर अपनी जो प्याज है उनको डालेंगे। प्याज अच्छी तरीके से आपको जितनी चाहिए उतनी आप डाल सकते हो, मैंने थोड़ा कम ही डाला है। आप और, आपको पसंद है ज़्यादा तो आप उसके अंदर और ज़्यादा प्याज डाल सकते हो। उसके बाद हमने छोटे छोटे टमाटर कट कर लिया है, अब हम टमाटर को इनके ऊपर अच्छी तरीके से सजा देंगे। ये देखिए, जितना आपको चाहिए आप उतना सजा देना, ज़्यादा बस थोड़ा, जितना ज़्यादा भी मत डालना ताकि ब्रेड से बाहर आ जाए, बस नहीं डालना। देखिए अच्छी तरीके से, उसके बाद टमाटर अच्छी तरीके से लगाने के बाद हम इनके ऊपर शिमला मिर्च, इसको भी ऐड कर देंगे इसके अंदर, ताकि हमारी जो गार्लिक ब्रेड है वो और भी ज़्यादा सुंदर हो जाए और उतनी ही ज़्यादा खाने में टेस्ट लगे। सो जल्दी जल्दी से कर लेते हैं अपनी गार्लिक ब्रेड को तैयार। और उसके बाद हम इसमें अपने जो थोड़े बहुत मसाले हैं उनको भी डाल लेते हैं। जैसे कि देखिए, मैंने अपनी सूखी लाल मिर्ची जो मैंने पीस कर रख ली थी उसको मैंने अच्छे तरीके से इस पर ऐड कर दिया है। आपको जितना क्वांटिटी में चाहिए आप उतना ही डाल सकते हो, मुझे थोड़ा ही पसंद है तीखा, इसलिए मैंने थोड़ा ही डाला है। और उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा सॉल्ट, नमक,
ये देखिए आप जितना आपका स्वाद अनुसार आप उतना ही करना, क्योंकि मक्खन में नमक रहता है और हमारी सैंडविच ब्रेड में भी थोड़ा सा नमक है, तो आप हिसाब से डन। ये मैंने इसमें थोड़ा सा ऊपर मैगी मसाला डाल दिया है थोड़ा सा, और आप इसके ऊपर काली मिर्च भी ऐड कर सकते हो। मेरे पास नहीं थी इसलिए मैंने नहीं डाला, आपके पास होता आप ज़रूर डालना। काली मिर्च ऐड करने से बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। चलिए अब इनको अच्छी तरीके से कवर करके ऊपर से मक्खन लगा करके अब इनको हम अपने जो टोस्ट है उनको अच्छी तरीके से सेक लेते हैं। पहले मक्खन लगा लेंगे अच्छी तरीके से, उसके बाद हम इसको टोस्ट को फ्राई पैन में अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। ये देखिए अच्छी तरीके से लगाने के बाद फिर इसको हम, ये देखिए अच्छी तरीके से मैंने लगा दिया और पैन को भी मैंने अच्छी तरीके से गरम कर लिया है। जैसे ही पैन गरम हो जाए तो आप फ्लेम को लो कर देना, एकदम लो फ्लेम पे ही आप इनको फ्राई करना, तभी अच्छे से एकदम गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे। जब तक ये होते हैं तब तक आप वीडियो एंजॉय कीजिए। फ्रेंड्स अब हम इसको कवर कर देंगे और सिर्फ 2 या 3 मिनट के लिए हम इसको पकाएंगे, उसके बाद अच्छे से ये हमारा जो टोस्ट है गोल्डन ब्राउन हो जाएगा। और ये देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से सिक चुका है, सेम बिल्कुल ऐसा ही हमें चाहिए था। देखिए अब मैं आपको कट करके भी दिखा दिया है और आप देखिए कितना अच्छा बना है ये। अभी मैं इनको को खोल करके भी और थोड़ा तोड़ करके भी दिखा दूँगी कि कितना ही क्रंची कितना ही अच्छा बना है ये, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। ये देखिए ये देखिए, और दर्शकों को तो उससे भी ज़्यादा बहुत ही पसंद आया ये। ये देखिए बहुत ही अच्छा बना था ये। फ्रेंड्स वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर और कमेंट्स और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करना, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती ही रहे और हम भी आपको अच्छी अच्छी चीज़ें बना के दिखाते रहें। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर 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 करना। और देखिए अंदर से ही कितना हेल्दी और कितना टेस्टी और कितना ही सुंदर लग रहा है। बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है, सेम जैसे पिज़्ज़ा होता है बिल्कुल वैसा ही लगता है ये देखने में, तो बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। और अपने बच्चों को बना के खिलाइए और इसको और हेल्दी बनाने के लिए आप उसमें गाजर और टमाटर को बॉईल करके वो भी इसमें ऐड कर सकते हो, ताकि ये और भी ज़्यादा हेल्दी हो जाए। आज के लिए इतना ही वीडियो। बाय बाय फ्रेंड्स।